हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे, और इतनी अच्छी लोकेशन में आकर तो मैं भी बढ़िया हो गया। दोस्तों, आज की वीडियो है राइडिंग जैकेट के रिगार्डिंग में। मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था अपने लिए एक राइडिंग जैकेट लेने के लिए, तो फाइनल मैंने एक जैकेट परचेज़ की है, जो कि है स्काला गियर्स की मार्वल मॉडल। इसके बारे में थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ, इसमें क्या क्या है। इसका जो फैब्रिक है 600 DN का फैब्रिक है, जो कि काफ़ी ड्यूरेबल स्ट्रॉन्ग माना जाता है इन केस ऑफ क्रैश। और प्लस इसमें जो है मैश फैब्रिक भी है, ये आप इस जगह देख सकते हैं। यहाँ पे ये सारा मैश है, इधर मैश है सारा, ये यहाँ पे सेम इसी पोर्शन में बैक साइड में, जो कि गर्मियों के हिसाब से कूलिंग के लिए, और ये कूल मैश है। ये इसमें स्कॉच लाइट की 3M की पाइपिंग दी हुई है, रिफ्लेक्टिव पाइपिंग है, जिससे नाइट में विजिबिलिटी क्लियर रहती है इस रिफ्लेक्टिव पाइपिंग की वजह से। इसके लोगो काफ़ी प्रीमियम है, ये भी यहाँ भी प्रीमियम प्रिंटिंग है इसकी। इसकी रिस्ट पे और इसकी वेस्ट पे एडजस्टेबल स्ट्रिप्स हैं, यहाँ से ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जैकेट 3 लेयर में आती है। ये सबसे पहले इसका आउटर लेयर है, ये इसका थर्मल लेयर, ये इसका रिन लाइनर। ये दोनों डिटैचेबल हैं, यहाँ से जिप से अनजिप करके इसको डिटैच कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें पॉकेट की बात करते हैं। इसमें दो पॉकेट सामने हैं, फ्रंट पे दो पॉकेट फ्रंट पे है, एक इधर एक इधर, एक आपके यहाँ पे इस जगह पे, और एक पॉकेट आपका थर्मल लाइनर मिलेगी यहाँ पे, और एक थर्मल लाइनर में यहाँ मिलेगी। अगर आप थर्मल लाइनर को हटा देंगे तो जैकेट के अंदर भी एक पॉकेट यहाँ है और एक पॉकेट सेम इस जगह है। तो ओवरऑल इसके अंदर कुल मिलाकर 7 पॉकेट्स हैं अगर आप थर्मल लाइनर के साथ यूज करते हैं, और थर्मल लाइनर निकालने के बाद में 5 पॉकेट्स हैं। और इसमें ओरिजिनल YK की जिपर दी हुई है, सारे जिप्स इसके YK के ओरिजिनल है स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। अब बात करते हैं इसके आर्मर्स के बारे में। जब भी राइडिंग जैकेट ली जाती है तो हमें प्रेफर किया जाता है इस आर्मर्स की क्वालिटी के बारे में। तो इसके शोल्डर एल्बो दोनों आर्मर सी लेवल 2 के हैं। ये जैकेट मैंने इसलिए प्रेफर की, इसमें बैक आर्मर भी है, और ये भी बैक आर्मर भी सी लेवल 2 का है। साथ में इसमें एक्स्ट्रा पैडेट दिए हुए हैं मोर सपोर्ट के लिए इन केस ऑफ एनी क्रश। ये देखिए इसका पैडिंग, और एक्स्ट्रा पैडिंग दी हुई है। दोस्तों, इसके कलर की कुशनिंग माइक्रोफाइबर की है, सॉफ्ट कुशनिंग है, जिससे गर्दन पे इचिंग नहीं होती है। इसमें की हुक है, दो की हुक दिए हुए हैं, एक इसका इनर साइड है और एक आप यहां देख सकते हैं इसका एक आउटर साइड में है की हुक। इसमें एक्स्ट्रा जिपर दिया हुआ है, अगर हम राइडिंग पैंट को अगर अटैच करते हैं तो यहां से हम राइडिंग पैंट को अटैच कर सकते हैं यहां से। स्काला गियर्स ब्रांडिंग एल साइज सी लेवल 2 प्रोटेक्टर। तो ठीक है दोस्तों, स्काला गियर्स की टैगलाइन के साथ में फील कंफर्ट, राइड कंफर्ट के साथ में आज की वीडियो को हम यहाँ एंड करते हैं। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। आपके राइट साइड में नीचे एक सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन है, उसे प्रेस कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। उससे ये होगा कि जब मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।